हम वही हैं, उसी किरदार को बढ़ाते हुए, सिर्फ एक छोटा 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 चेंज है। तो अब थोड़े से बाल खोल दिए क्योंकि शहर की लड़की हो गई हूँ, तो थोड़ा शहर वाला फ्लेवर आ गया। ऐसा लीप नहीं हो रहा है कि 4 महीने का गैप हो रहा है मतलब एयर होने में, एंड देन एग्जैक्टली वी आर कंटिन्यूअसली ऑन एयर। सीजन 2 मतलब तुरंत है। पॉलिटिक्स से ज्यादा सोशल कॉजेज और उनमें इंटरेस्ट है। ये पॉलिटिक्स वगैरह मुझे समझ नहीं आती है, तो थोड़ा बोरिंग सिविक्स हमेशा मुझे थोड़ा बोर करता था। सबसे पहले तो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कितना ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं आप दोनों के। अगर लुक की बात करें तो थोड़े बहुत तो चेंजेस हमें दिख ही रहे हैं। एग्जैक्टली थोड़े बहुत और भी दिखेंगे। हाँ दिखेंगे, मतलब हम वही हैं, उसी किरदार को लुक वाइज बढ़ाते हुए, सिर्फ एक छोटा 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 चेंज है। लाइक जैसे मैं अब बताती हूँ, जैसे मैं जूड़ा करती थी, बंद करती थी, तो अब थोड़े से बाल खोल दिए क्योंकि शहर की लड़की हो गई हूँ, तो थोड़ा शहर वाला फ्लेवर आ गया। और मैं शायद बाल बांध लूँ क्योंकि खोले रखती थी। एग्जैक्टली कुछ तो चेंज बनता है ना, सीजन 2 है तो जर्नी में थोड़ा सा इतना ड्रास्टिक नहीं है कि जैसे ये साड़ी से सलवार कमीज और सलवार कमीज से साड़ी में आ गई। एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूंगी, जब ये छोटी शुरुआत हुई थी निमकी मुखिया से जो विधायक बन गई, लगा था ये जर्नी इतनी बड़ी जाएगी कि सीधा का सीधा पोस्ट और पोजीशन के साथ एक नया सीजन आ जाएगा? इतना आगे का नहीं सोचा था, ये जरूर हमेशा सोचा था कि सिंस इतना अच्छा शो है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लंबा चलेगा, लेकिन अब ये हमारे लिए नया है। और ये आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में भी इट इज़ न्यू। ऐसा लीप नहीं हो रहा है कि 4 महीने का गैप हो रहा है मतलब एयर होने में, एंड देन एग्जैक्टली वी आर कंटिन्यूअसली ऑन एयर। सीजन 2 मतलब तुरंत है। Yeah. और मुखिया से विधायक बन गई, एक्चुअली ये बड़ी बहुत बड़ी yeah. बात है, बहुत बड़ी बात। वैसे ही जर्नी जैसे हम जिस तरह से सीजन वाइज जर्नी हुई है, उसी तरह निमकी की भी जर्नी हुई है, लॉन्ग जर्नी। तो एक्चुअली इस शो में कौन है जो साथ निभाएगा आप लोगों का कंटिन्यू? मुखिया के कैरेक्टर में जितने लोग थे, कितने लोग साथ छोड़ेंगे विधायक? इतना मतलब इतना खतरनाक सवाल और इतना सीक्रेट सवाल और ऐसा सवाल जिसका जवाब हम देंगे ही नहीं, और आपने इतनी सीरियसली पूछा है। हाँ और हमने सुना पूरा, अब इसका हम जवाब ही नहीं देंगे। हम तो दिख रहे हैं स्टेज पे, तो दिख ही रहे, तो अंदाजा तो लगा लो हम तो हैं, और मे बी भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली और नए नए भी हैं। जैसे सर ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा खुलने वाला है, मतलब धीरे 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 लिफाफा खुलेगा, तो वो वाला फ्लेवर रहने दो तो वो मजा आ जाएगा। इसलिए अच्छा अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो आप दोनों जन कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं आपका, तो मुझे पता चले आपका लोग जाने चाहिए पॉलिटिक्स में। मैं पॉलिटिक्स में नहीं रखती हूँ, आई ट्राई टू बी अवेयर एज मच एज पॉसिबल एज फार एज पॉसिबल, बट ऑनेस्टली मुझे पॉलिटिक्स समझ में कम आती है। जब बैठ के लोग बात कर रहे होते हैं ना इलेक्शंस के टाइम और बजट के टाइम, आई जस्ट ट्राई टू फॉलो थिंग्स दैट आर हैपनिंग। मेरे अपने व्यूज़ होते हैं बट शायद कम होते हैं, बिकॉज उतनी गहराई तक मैं एकदम से समझ नहीं पाती हूँ। एंड देन यू नो इफ आई सडन टॉक टू समबडी हु नोज अबाउट इट, तब मुझे लगता है ओ आई सी। आई मतलब मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा सोशल कॉजेज और उनमें इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स भी एक तरह से वही है, इट्स फॉर सोसाइटी, बट जो ये बीच बीच में पॉलिटिकल सिनेरियो बन जाता है जो बहुत जिसपे लोग कितनी चर्चा करते हैं घंटों घंटों बैठ के, वो मुझे कम समझ में आती है। एग्जैक्टली थोड़ा सा सच बताती हूँ, ये पॉलिटिक्स वगैरह मुझे समझ नहीं आती है, तो थोड़ा बोरिंग सिविक्स हमेशा मुझे थोड़ा बोर करता था। तो मैं वहाँ से जाती हूँ, बात करती हूँ, तो तभी भी ऐसा लगता था वो पहले ये फिर देन ये फिर एम ए एम पी एन ऑल, वो जो सारे टर्म्स होते थे मैं थोड़ा सा अवॉइड करके बैठ जाती थी। तो आज उसका रिजल्ट ये है कि मतलब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, टिप्पणी कस देते हैं किसी भी नेता को लेके कुछ लेके, तो मैं थोड़ा उतना नहीं कर पाती हूँ। मे भी उनको शायद मैं इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ या कुछ, तो नॉलेज नहीं रख पाते और तो बोलना ख़राब हो जाएगा अगर कि हम हाँ हाँ बिल्कुल मैं ऐसे करके बोल दूँ, पता पड़ा लास्ट में किसी ने बोल दिया भाई साहब वो ऐसा है ही नहीं इधर, तो बेटर टू थोड़ा अवॉइड। अच्छा जहाँ पार्ट 2 आ रहा है विधायक हो रहा है वहीं सेट चेंज हो गया, कितना ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मिस कर रहे हैं बिकॉज़ बहुत न्यू है और चेंज एकदम से आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, थोड़ा मतलब ये गलियां ये चौबारा अब आना ना दोबारा। वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, खुला एकदम हवा में बैठते थे हम बाहर, अभी यहाँ पे भी वैसा ही बन जाएगा, बन जाएगा, बट वी विल टेक सम टाइम गेटिंग यूज्ड टू इट। या अच्छा क्या कहना चाहेंगे 12 तारीख को लोग देखें इस शो को, किस तरह का एक्साइटमेंट आप लोगों में है पहले एपिसोड को लेकर जब ऑन एयर? जितना 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 आपको एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है ना, उतनी ही हमें भी सेम सेम कुछ भी अलग नहीं, नो एंड टू सी कि क्या है। बिल्कुल सही, मतलब कई सवाल पता है हमारे मन में भी चलते हैं, हम सर को भी बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा, एक दूसरे से बात करते हैं ओ माय गॉड फिर ऐसा करना पड़ेगा ये होगा, तो सेम जैसे जनता जो सोच रही होगी ना वो सेम सवाल हमारे मन में भी, और उतनी एक खुशी भी है कि चलो मुखिया टू विधायक हम आ गए, मतलब ये
इस नैया से उस नैया पार कर लिए हमने. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. लास्टली जाते हैं अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे? मैसेज हमारा यही है सबके लिए. पहली बात तो मैसेज नहीं, इट्स अ जेन्युइन हार्टफेल्ट थैंक्स कि आप लोग शो देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, तभी हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि हम सेकंड सीजन में जा रहे हैं. ये आसान बात नहीं है और हमारा सेकंड सीजन भी 2 साल ऑन एयर होने के बाद हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हमारा सेकंड सीजन कुछ महीने बाद है. तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी प्रॉमिस टू कीप यू एंटरटेन्ड विद गुड क्वालिटी कॉन्टेंट एंड कीप वॉचिंग आवर शो. थैंक यू सो मच. देखते रहिए 8:30 बजे 12 अगस्त से स्टार भारत पे निमकी विधायक.